बात मार्च 1942 की है। भारत छोड़ो आंदोलन अभी शुरू नहीं हुआ था। इंदिरा और फिरोज गांधी की शादी होनी थी। इस शादी के कार्यक्रम को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू तो सोच में थे ही, महात्मा गांधी और पूरा देश भी सोच रहा था। गांधी जी और पंडित नेहरू के पास इस शादी को रोकने के लिए बड़ी संख्या में चिट्ठियां आ रही थीं, क्योंकि शादी एक हिंदू और एक गैर हिंदू के बीच होनी थी। नेहरू जी का स्पष्ट मत था कि विवाह भले ही अंतर धार्मिक हो, लेकिन इसके बाद वर और वधु में से किसी का धर्म परिवर्तन ना हो। इंदिरा और फिरोज भी यही चाहते थे। नेहरू जी ने 26 फरवरी 1942 को प्रेस के लिए एक वक्तव्य जारी किया, जो 28 फरवरी 1942 के मुंबई क्रॉनिकल में प्रकाशित हुआ। इसमें लिखा था, अखबारों में मेरी बेटी इंदिरा की फिरोज गांधी के साथ सगाई के बारे में खबर प्रकाशित हुई है। लोग मुझसे भी इस बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए मैं इस खबर की पुष्टि करता हूँ। मेरी लंबे समय से यही मान्यता है कि शादी के मामलों में माता पिता को लड़के लड़की को सलाह देनी चाहिए, लेकिन अंतिम फैसला लड़का और लड़की को ही करना है। जब मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि इंदिरा और फिरोज एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो मैंने खुशी से उनके फैसले को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। महात्मा गांधी ने भी इस प्रस्ताव को शुभकामनाएं दी हैं। फिरोज नौजवान पारसी हैं। वह कई वर्षों से हमारे परिवार के मित्र और साथी रहे हैं, बल्कि मैं तो उन्हें देश के काम और आजादी की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भागीदार के तौर पर देखता हूँ। अगर मेरी बेटी ने जिस किसी से भी प्रेम किया होता तो मैं उसकी पसंद को कबूल कर लेता। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं उन सिद्धांतों से नीचे गिर जाता जिन्हें मैंने हमेशा मान्यता दी है। मुंबई क्रॉनिकल में लिखा था, महात्मा गांधी चाहते हैं यह शादी सेवाग्राम में हो, इससे उनके लिए शादी समारोह में शामिल होना आसान होगा। मैं उनके सुझाव की प्रशंसा करता हूँ और उसके लिए आभारी हूँ, लेकिन मेरे परिवार के सदस्य चाहते हैं कि यह समारोह घर पर हो, इसलिए विवाह 1 महीने के भीतर इलाहाबाद में होगा। नेहरू ने तो यहां तक कहा कि इंदिरा की शादी सिर्फ उनकी बेटी की शादी नहीं है, यह शादी अलग तरीके से होगी, जिसमें दूल्हे और दुल्हन का धर्म परिवर्तन नहीं होगा। यह अंतर धार्मिक विवाहों के लिए नजीर होगी और भारत की संसद ने जब विशेष विवाह अधिनियम बनाया तो यह बात वाकई सच साबित हुई। महात्मा गांधी ने खुद अपने हाथ से विवाह के लिए ऐसी पोथी तैयार की जिसमें हिंदू धर्म के और पारसी धर्म के धार्मिक मंत्रों को समाहित किया गया, लेकिन संयोग से पोथी काफी बड़ी बन गई। 16 मार्च 1942 को पंडित नेहरू ने वर्धा से लक्ष्मीधर शास्त्री को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि शादी की विधि ऐसी ना हो जाए कि लोगों को बहुत अजीब लगे। उन्होंने महात्मा गांधी की बनाई विवाह विधि भी लक्ष्मीधर शास्त्री को भेजी और उसमें लिखा कि इसके कुछ हिस्से हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन पूरे पत्र में वह शास्त्री जी को समझाते रहे कि महात्मा गांधी की बातों पर पूरी गंभीरता से विचार किया जाए और उनका पालन किया जाए। पत्र के अंत में नेहरू ने लिखा, यह शादी एक हिंदू और एक गैर हिंदू के बीच हो रही है। जरथुस्त्र धर्म की बहुत सारी बातें वैदिक कर्म कांड से मिलती जुलती हैं, क्योंकि दोनों धर्म का उद्गम एक ही जगह से है। इसके बावजूद यह तथ्य अपनी जगह बना रहता है कि शादी एक हिंदू और एक गैर हिंदू के बीच हो रही है। जहां तक धर्म का सवाल है तो दोनों को विवाह के बाद भी अपने मूल धर्म में बने रहना है। इसके कानूनी पक्ष क्या होंगे उसके बारे में मैं अभी बहुत विस्तार से बात नहीं करूंगा, लेकिन विवाह समारोह इस तरह का होना चाहिए कि यह हिंदू और गैर हिंदू दोनों को शोभा दे। इस विवाह का विधान इस तरह की नजीर पेश करेगा जो आगे चलकर सुधार और यहाँ तक के कानूनों के लिए भी आधार भूमि बनेगा। नेहरू जी को पता था कि आने वाले समय में भारत में भी धर्म और जाति की जगह कम होती जाएगी। शादी और विवाह के मामले सिर्फ माता पिता और परिवार के अख्तियार में नहीं रहेंगे। जब समाज खुलेगा तो लड़के लड़कियां आपस में उसी तरह एक दूसरे के संपर्क में आएंगे जैसे कि वे पश्चिमी देशों में आते हैं। उनके विवाह भी होंगे और बहुत संभव है उस समय समाज उनका विरोध भी करेगा।
इसलिए उन्होंने धर्मों के टकराव की बजाय धर्मों को हमकदम बनाकर शादी की एक नई पद्धति भारत में विकसित की। लव जिहाद जैसे मानसिक विकारों से निपटने के लिए बहुत ही लोकतांत्रिक तरीका नेहरू जी ने निकाला था। नेहरू और इंदिरा ने सर्वधर्म संभाव को सिर्फ विवाह तक ही सीमित नहीं रखा। आगे चलकर जब इंदिरा की पहली संतान हुई तो नेहरू ने उस तरह के नामों पर विचार किया जो हिंदू और पारसी दोनों धर्मों में समान रूप से स्वीकार हो। इसीलिए उन्होंने इंदिरा के चुने नाम राहुल को उस समय पसंद नहीं किया और उनके पहले बेटे का नाम राजीव रखा। हालांकि इंदिरा ने आगे चलकर राजीव के बेटे का नाम राहुल रखा।